नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। पंडित राम दुबे आप सबके सामने। आज घर मकान में जो मेन दरवाज़ा होता है, मेन गेट होता है, उसके विषय में कुछ जानकारियां लेके आया हूं और जानते हैं कि इससे क्या हानि और क्या लाभ होता है, उस विषय को जानते हैं। किसी भी घर के मुख्य द्वार में या किसी भी मकान जो भी नया बनता है, जो उसका मुख्य द्वार होता है, सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वहीं से आती हैं। घर में सुख समृद्धि और उन्नति बनाए रखने के लिए दरवाजे से जुड़े वास्तु के कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर इसकी अनदेखी आप लोग करते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो घर का मेन दरवाज़ा होता है, मुख्य द्वार होता है, वो हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए और बाहर की ओर खुलना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा होने पर घर में धन टिकने में परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलने बंद करने में आवाज़ भी नहीं आना चाहिए। वास्तुशास्त्र में घर के मैग्नेट से जुड़े ऐसे कुछ बातें हैं, बताई गई हैं, और जो की बातें हैं, क्या क्या बातें हैं उस विषय में आइए हम जानते हैं। घर का मैग्नेट पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। मैग्नेट घर के बीच नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने खंभा, पेड़ या कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, न ही उसकी छाया गेट पे पड़नी चाहिए। घर का मुख्य द्वार रोड से ऊंचा होना चाहिए। जहाँ भी आपका मकान बनता है, जो रास्ता है, जो रोड है, उससे ऊंचा आपके घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर ऐसे आप करते हैं तो घर के जो वास्तु दोष है उससे आपको छुट